शायद ये कोई संदेश है, कोई सीक्रेट संदेश। कहीं ये कोई जहाजी किस्म का कोड तो नहीं? अरे मैं भी यही कहने वाला था, बस इसको पढ़ पाने वाला चाहिए। चाचा से क्यों नहीं पूछते? मैं भी यही कहने वाला था। क्यों नहीं? अटलांटिक महासागर के पूर्वी सिरे पे। ओह, वो तो समंदर का सबसे खतरनाक सिरा है। हिरम और उसका जहाज। उन्हें कुछ नहीं होगा, हम भी चलेंगे आपके साथ। खतरनाक समंदर में? तो क्या हुआ जग्गू, तैयारी करके निकलेंगे, है ना प्रोफेसर धूमकेतु? बिल्कुल। जवाब दो उन्हें। जी महाराज।
मिट्टी में मिला के रख दे जग सारा। इरादा ये नेक है सिर्फ एक का सिंबारा। कैसे हो ढोलकपुर के राजा? जल्दी तुम्हारा ताज सिंबारा का होगा। सिंबारा, फौरन अपनी सेना पर रोक लगा दो, वरना। वरना क्या? चुपचाप हार मान लो राजा इंद्रवर्मा। आवाज है। अरे जल्दी जल्दी सब अपना अपना झोपड़िया में भागो। राजा जी, हम का ही दानव से बचाई खातिर कछु करो। ये कल रात फिर हमार गांव को तबाह कर दिया। महाराज कछु करो। अरे करे तो का करे? आज्ञा हो तो हम कछु सुझाई महाराज। बोला महामंत्री जी। आप अपने बचपन के मित्र ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा से मदद काहे नहीं मांगत हो? हाँ ठीक है महामंत्री जी, मेरे पुराने मित्र नट्टू। तुम आओ बच्चों और बताओ। का बताऊं मित्र, नटवरगढ़ बहुत मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत महाराज? एक तो पहाड़ के पास बसा है, हैं? उही पहाड़ पे एक तो बहुत खतरनाक डायनासोर रहत है, जिसका नाम डायनो असुर है। हाँ, वो दानव हर 4-5 दिन में पहाड़ से नीचे आत है और पूरा गांव तबाह कर चले जाते हैं। डायनो असुर को हराने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता जरूर है और उसी रास्ते की खातिर तो हम महाराज संगे आए हैं। कैसा रास्ता महामंत्री जी? कहत है कि नटवरगढ़ के पास से जो नदी बहत है, वो नदी के उई पार है, उई पार एक ठो गुफा है जिस पे एक जादुई भाला गड़ा है। भीम, तुम फौरन रवाना हो जाओ और उस जादुई भाले को हासिल करके उस डायनोसोर को हरा कर नटवरगढ़ में शांति स्थापित करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। लगता है ढोलकपुर के बच्चा लोग आ रहा है। स्वागत है। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन मा। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तुम्हारी यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। आराम से। आ जाओ सब लोग। वो देखो जादुई भाला।
कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इसे पाना इतना मुश्किल काम है। पर उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जल्दी से ऊपर आ जाओ भीम। मेरे पीछे आओ दोस्तों। आ जाओ जल्दी, आ जा, आ जा, आ जा। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने। सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। मेरा भी। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? ए डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे झटका लगा जोर से। तुम गंदे हो। पर तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे थे। तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। ओ, तो ये बात है।
अच्छा ठीक है डायनोसोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। ये दानव को अपने साथ काहे लाए हो? डरने की कोई बात नहीं है त्यागी बाबा, ये कुछ नहीं करेगा। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है, पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है, और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियां और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और, गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। तो फिर ई का उपाय क्या है बिटवा? उपाय है महामंत्री जी, और वो ये कि गांव वाले पहाड़ से फल और बांस की लकड़ियां लाना बंद कर दे। बात ये है कि लकड़ी का जरूरत हमें जलाए खातिर पड़त है बिटिया। पर आप लोग चाहो तो अपने इस्तेमाल के लिए सूखी लकड़ियां ले आ सकते हो पहाड़ से। तो फिर तय रहा, आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा है, खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और जब भी ज्यादा फल होंगे तो खुद आप लोगों को लाके दे दूंगा। भीम की जय हो। तो हार बहुत बहुत धन्यवाद बिटवा। अलविदा, फिर मिलेंगे। अलविदा भीम। अलविदा भीम। बेहतर यही होगा कि हम किसी तरह पता लगाएं कि कौन है इन तोहफों के पीछे। तो हो जाए थोड़ी असली जासूसी। हो जाए। लकड़ी का कटोरा? शायद वो भी जंगल में ही रहता है। अरे वो कहाँ मिले तुम्हें पिंगू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था तो मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैं देखने ही वाला था कि कौन आया है, जब मैं अचानक गिर गया। जब मैं उठा तब वहाँ बस ये रुमाल मिला और आम की टॉफी। इस रुमाल पे नीले बेर से कलाकारी की गई है। अरे नीले बेर तो जंगल के एक ही जगह पर मिलते हैं, काली चट्टान के पास। तो जरूर तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ने वाला काली चट्टान के पास रहता है। शाबाश कालिया। भीम, चुटकी, बिकू, ये देखो। ये तो चीते के निशान है। उस छज्जू चीता ने आखिर मुझे ढूंढ लिया। छज्जू चीता कौन है? है एक बड़ा लड़ाकू किस्म का चीता। जब भी मैं फल तोड़ने जाता वो बिना किसी वजह मुझे सताता और मेरे सारे फल कुचल कर रख देता। ध्यान रहे दोस्तों, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए जाल को बड़ी सावधानी से बनाना होगा। Yeah.
आगे जा रहे हैं। पर मुझे प्रोफेसर से ढेर सारे सवाल पूछने हैं, इसीलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर प्रोफेसर के घर तक एक रेस हो जाए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। चल सकते? चुप करो तुम दोनों, मैं तो ये सोच रहा था। लगता है दौड़ लगाई है। ओफो, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो, बेवकूफ। चलो इनका पीछा करते हैं। दादाजी के कमरे में कितनी अजब चीजें हैं। हाँ, बस यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए हैं। और ये बॉल कितनी सुंदर है। पसंद है तो तुम रख लो। और इस ट्रंक में क्या है? उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाना। हमारे साथ खेलिए ना दादाजी। अरे अरे, बाद में बच्चों, बाद में, अभी कुछ जरूरी काम है। छोटे बच्चे, तुम कौन हो? मैं गोंको गॉब्लिन हूँ, पर वो दूरबीन तुम्हें कैसे मिली? क्या तुम उन्हें जानते हो? तुम्हारे दादाजी तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे बहुत खास दोस्त हैं वो। हाँ, और ये दूरबीन तुम्हारी दुनिया से हमारी दुनिया यानी परियों के देश में आने का रास्ता है। आना चाहोगे? पर कैसे? बहुत आसान है, बस 3 बार पलक झपकाओ और दूरबीन के इस पार आ जाओ। प्यारे प्यारे बच्चे भी मेरे बंदी हैं। दादाजी, इसने कहा कि ये आपका दोस्त है, इसलिए हम यहाँ आ गए। अरे, तुम्हारे दादाजी हमारे नहीं, हमारे दुश्मन परियों के दोस्त हैं। परियों के पिंजरे को काटकर उन्हें आजाद कीजिए, इन गॉब्लिंस को हम संभालते हैं।
शुक्रिया आपका और बच्चों आपका भी। बच्चों ये बहुत जरूरी है कि परियों और इस दूरबीन का राज राज ही रहे। तुम सबको भी अब शपथ लेनी होगी कि तुम इसे राज ही रखोगे। हम इसे राज ही रखेंगे। जम जम जम्बूरा जम तू तू सीख ले पूरा। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जुम जुम जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला तू पत्थर उठ जाए पूरा। जुम जुम लड्डू तुझे खिला दूं केला तुझे दिला दूं जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा पूरा। जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए वक्त को ठहराए पानी पे चलते जाए हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे तू कोई काम न रहे अधूरा। नदियों को जमा दे तू पर्वत को कर दे चूरा। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। एक के दो के तीन के चार के पाँच, पाँच के दस, दस के बीस के तीस के चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, पूरे सौ। एक के दो के तीन के चार बना दे दिन में ही अपने दुश्मन को तू तारे दिखला दे। सूरज को ठंडा करके चांद चला दे पूरा। बोले गुरु हो जा शुरू जम्बूरा जम्बूरा। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। लड्डू तुझे खिला दू केला तुझे दिला दू जादू तुझे सिखा दू मैं ये पूरा। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। गिली गिली चकलाका मकलाका जूम।